नहीं वहाँ वो बात के लिए नहीं हम आए हैं, कोई मसला नहीं है। तो कल रात को मर्डर हुआ है, थाने से 10 कदम के आगे मर्डर हुआ है। तो अपने लोग क्या कर रहा है, कितनी बदनामी हम लोग सही क्या कुछ मिला है, कुछ भी सुराग कुछ सुराग मिला है क्या? और मतलब हमारा ख्याल है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जी, और हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है। और मैम नहीं काहे की, काहे की क्या है, नहीं बोलना पड़ेगा जी। ठीक, हम उस परिवार से जुड़े थे, इनकी घर की लड़कियां बेतिया में है, समझियाना है, ठीक है। हेलो, तो वहाँ अभी हम आए थे इंडस्ट्रीज वाले मीटिंग में, तो फिर मालूम हुआ तो फिर यहाँ आए हैं। अब यहाँ सब अच्छे, अपने यहाँ जो एक और क्राइम हुआ था, शायद 2 क्राइम हुआ है, उसका रिकवरी हो गया। अच्छा, उसका तो रिकवरी हो गया। ये लड़का गन में दो से लड़का चला गया, इसी ना किसी से लेना ना देना ना कुछ भी, दुकानदार लड़का और एकदम परिवार भी ज़्यादा रिश्ते, 3 साल का बेटा है। तो इस पर इसमें थोड़ा सा पूरा लग के कि हमको बोलना ना पड़े, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा ना, पूरा न्याय मिल गया उस महिला को। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ आप लोग हमेशा बनाते हैं, ऐसा कोई बिगड़ता हुआ नहीं है। ये कुछ ऐसे जो बच्चे हैं जिनका चरित्र ही खराब है, उन्होंने कभी कभी कोई घटना करते हैं तो उस घटना का अंजाम भी उनको भोगना पड़ता है, और जो घटना घटी है वो अंजाम तक पहुँच गया है और भी पहुँचेगा, और वो पकड़े जाएंगे। हमारा प्रशासनिक जो भी अधिकारी है सब आला कमान मेरा लगा हुआ है, और वो जल्दी से जल्द वो गिरफ्त में आ जाए। पिछले 72 घंटों में मुजफ्फरपुर में कई घटना घटी है, जैसे घटना घटी आपका बंधक बैंक वाला, उसका पैसा भी रिकवरी हुआ, उन्होंने ही किया है ना, इसलिए उन पर विश्वास कीजिए। जो प्रशासक है उस पर विश्वास करना चाहिए, तब निश्चित रूप से ये भी आपका सामने आ जाएगा, इसका भी जल्दी पकड़ में आ जाएगी।